इतना दिन से मनी मिराज के साथ में काम कर रहे थे, तो कितना रुपया अभी तक मिला हमको? वो सब हिसाब मिला जुला के वही डरिए ना जो दिए होंगे 20-25 हजार रुपया तक ले हो सकता है दो साल के ज्यादा है। घमंड नहीं रहता तो हम टीम से निकालते हमारे जगह पर चुनाव को में दूसरे आदमी से बुला के वो काम करते टीम में से निकाल दिए। क्यों निकाल दिया? वही ना कहीं ना कहीं हम काम करेंगे ना, हम काम जब करने लगे दूसरे जगह तो हमारे वीडियो पर हम जिस अभी चैनल में काम कर रहे हैं छोटा मोटा ऐसे चैनल पर काम करते थे तो उनको स्ट्राइक मारते थे तो वीडियो पर क्या किए कि पेज पर आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। मैं हूं प्रिंस भारती और अभी हम साहेबगंज में आए हुए हैं और हमारे साथ अभी हैं झगरू महतो और मनी मिराज। और झगरू महतो में काफ़ी विवाद चल रहा है तो उसी सिलसिले में आज बात करेंगे झगरू महतो से कि क्या हुआ था मनी मिराज के साथ। तो चलिए झगरू महतो से बात करते हैं। नमस्कार, आवाज़ तक न्यूज़ पर हमारा भी स्वागत है, आपका भी बहुत स्वागत है जी। लोगों का पहला सवाल ये है आपको कि क्या ये बात सत्य है कि मनी मिराज जी आपको टीम से बाहर कर दिए हैं? ये बात पूरा सत्य है जी। हाँ, पूरा सत्य है कि वो हमको अपनी टीम में से निकाल दिए। क्यों निकाल दिया? देखिए, ये थोड़ा अनरोरी मामला है। अनरोरी मामला है क्या चीज़ का है कि आप कहीं भी काम करते हैं तो आपको मुनासिब है, अगर पैसा नहीं मिलता है तो काम नहीं कर सकते। मामला यही है और दूसरा कोई मामला नहीं है। उसके बाद में हम दूसरे जगह काम करने लगे तो कहीं ना कहीं हम काम करेंगे ना, हम काम जब करने लगे दूसरे जगह तो हमारे वीडियो पर हम जिस अभी चैनल में काम कर रहे हैं छोटा मोटा ऐसे चैनल पर काम करते थे तो उनको स्ट्राइक मारते थे तो वो लोग कुछ नहीं, लेकिन अभी जहाँ हम काम कर रहे हैं बड़का चैनल है तो उस चैनल पर हम आए यहाँ काम किए, फर्स्ट वीडियो निकाले हीरो झगड़ू में। हाँ, तो वो वीडियो पर क्या किए कि पेज पर स्ट्राइक मार दिए। अच्छा, मतलब कि आप उनमें काम कीजिएगा तो पैसा नहीं देंगे? जो मुनासिब पैसा होता है वो तो मुनासिब पैसा देना चाहिए भाई, लेकिन पैसा काम जो कर रहे हैं आपको मजदूर की तरह खटा रहे हैं तो काम का पैसा दीजिए। पैसा मांगे तो मतलब पैसा नहीं दे टीम से निकाल दीजिए। अब दूसरे के टीम में जाके काम कर रहे हैं तो उस पर स्ट्राइक मार रहे हैं, ये कहाँ का नियम है भाई, कहाँ का नियम है? मैं मनी मिराज से पूछना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा मतलब हस्ती हो गए हैं, आपको हीरो कौन बनाया है? जनता के सब प्रेम है, जनता का सब मोहमाया है, लेकिन आप किसी का पेट पे लात मारिएगा ये कहाँ का नियम हुआ? इनको पैसा मांगे तो टीम से हटा दिए, अब दूसरे में जाके काम कर रहे हैं तो मतलब पे स्ट्राइक मार रहे हैं, बताइए मतलब। देखिए कितना गलत काम है, बहुत गलत काम है। हम उनको आज भी बोल रहे हैं कि आप भी काम कीजिए, हमको भी काम करने दीजिए, कहीं भी शांति से रहने दीजिए। वो भी शांति से नहीं रहने देते, शांति से भी रहने देते हैं, से भी नहीं देते हैं। अब उल्टा सीधा बोल रहा है तो हम टीम से नहीं निकाल रहे हैं, गुआ है उनका टीम का आदमी, गुआ है टीम का आदमी, कभी जाके इंटरव्यू ले लीजिएगा, वो लोग खुद आपको बता देगा। तो मनी मिराज कह रहे थे कि आपको 10,000 का मंथली देते हैं। ये पहले बताइए कि वीडियो लाइन में जुड़ के 10,000-5,000 कुछ होता है? उनके टीम के जितने सदस्य हैं एक तो हमके छोड़कर सबका जमीन खरीदा गया, घर बन गया, हमरा जाके घर देखिएगा तो झोपड़ी का है। क्यों झोपड़ी का? अगर पैसा मिलता तो जामा में हमको लगा रहे हैं, पैसा देते थे तो फुटाने कर देते थे। तो ये बताइए कि 10,000-5,000 अपना पेट चला के हम घर बनाएंगे? आप मार्केट में जमीन बना बनाया घर खरीद लिए, अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, अभी उनके घर पर जाके देखे, फोटो भी अब ले सकते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इतना दिन से मनी मिराज के साथ में काम कर रहे थे तो कितना रुपया अभी तक मिला हमको? वो सब हिसाब मिला जुला के वही डरिए ना जो दिए होंगे 20-25 हजार रुपया तक ले हो सकता है दो साल के अंदर। मतलब दो साल के अंदर में 20,000 रुपया दिए, मतलब ये तो मजदूरी, मजदूर को भी मजदूरी ऐसा नहीं मिलता है? मजदूरियों को 10,000 का मंथली मिलता है, जो एक काम करता है कंपनी में, किसी कंपनी में भी काम करता है तो एक महीना के लेता है तो 10,000 से कम नहीं लेता है, एक दिन का 500 से कम नहीं लेता है, बात है कि नहीं है? अच्छा, एक सवाल आपसे है, कड़वा सवाल है कि अगर मनी मिराज आपको टीम में दोबारा बुलाएंगे तो क्या आप जाएंगे? देखिए टीम में हमको बुला रहा है और जो इल्जाम हम पर लगाए अभी कि वो भी लगाए और शशि जी भी लगाए हैं, शशि जादव, हाँ शशि जादव जो एडिटर है, इल्जाम लगाया है कि इनको 50 दे,
आप हम पूछ सक आप पूछ लीजिए हमारे टीम के यहाँ पर कि हम क्वाइट टेक में यहाँ काम करते हैं, उनके टीम में जब भी हम काम किए हैं तो 2 से 3 टेक, उसमें और ऐसा ऐसा कलाकार लोग हैं कि उन लोगों को 20 टेक 30 टेक लगता था काम करने में, उनको किसी तरह हमसे उनको बचना है कि इंटर में इंजाम हम लगाते ना। ये मनी मीरा से फिर झगड़ा भी का तो हो गया है सुनने में आया। देखिए झगड़ा तो ऐसे झगड़ा तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है, झगड़ा हुआ है हाँ, तो पैसे के मामले के चलते झगड़ा हुआ है। मनी मिराज कहते हैं कि मतलब कि हम ऐसा बात नहीं है, हम टीम से निकाले उनको नहीं है, क्या ये बात सत्य है, टीम से नहीं निकाले हैं? मनी मिराज बोल रहे हैं कि सब मामला शांत हो गया, क्या शांत हो गया है मामला? देखिए मामला भी शांत नहीं हुआ, मामला शांत नहीं हुआ है, मामला शांत होगा ऐसा बात नहीं है ठीक है, लेकिन उनको जहाँ बुलाया जा रहा है इतना भवानपुर के पास देखिए जहाँ फैसला कराना है जगह पर उस जगह पर नहीं आ रहा है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, मनी मिराज को घमंड भी हो गया है? घमंड बहुत ज्यादा है, घमंड नहीं रहता तो वो टीम से निकालते, हमारे जगह पर चुनाव को में दूसरे आदमी से बुला के वो काम कराया है, वो प्रमाण है पूरा एकदम, पब्लिक देख रहे हैं। रुक जाइए अच्छा एक बात बताइए, अभी आप किस मतलब वहाँ से टीम में से निकालने के बाद आप कहाँ काम कर रहे हैं, किस कमेटी नाम बताइए चैनल का? हमारे चैनल का नाम है दिलखुश कमेटी और द पीपीएस। तो एक भी वीडियो अभी शूट हुआ है कि नहीं आपका? हमारा 3 वीडियो शूट हो गया है। तो मतलब आज वीडियो आया है क्या? हाँ एक वीडियो आज डलाया है, विधायक झगड़ूमा, उसमें का थोड़ा डायलॉग बोल के बताइए हमारे दर्शकों को सुनाइए। आइए विधायक झगड़ूमा तो हम खसवा नहीं है, अच्छा अब हम जलकर नहीं उठाएंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब अब विधायक बन गए हैं, मतलब अब घास नहीं करेंगे, अब घास नहीं करेंगे, अब तो विधायक हो गए हैं, हाँ। विधायक हो। अच्छा जितना दिन मनी मिराज की टीम में किए कि घास करवाया करवाया, लेकिन अब घास नहीं करवाया जाएगा वीडियो में है। देखिए कॉमेडी है, हम चाहते हैं सोचते हैं कि पब्लिक किस तरह हमसे हंसते रहे, उनको किस तरह से खुश किया जाए, हम लोग का जो काम है यही है, तो पब्लिक हम लोग से खुश रहेंगे तब हम लोग भी खुश रहेंगे। कितना देते थे मनी मिराज वो छोड़िए ना, जो देते थे देते थे उसका बात छोड़िए, आपको पहले भी हम बोल दिए। अच्छा तो अब बताइए कुछ अपने बारे में बताइए कि मतलब दर्शकों को कि मतलब क्या कहना चाहते हैं हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से। आपको न्यूज चैनल से हम कहना चाहते हैं पब्लिक को, दर्शकों को अपील कि दर्शक लोगों ने हमको बहुत प्यार जुड़ा दी, आज भी दे रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमको जितना प्यार जुड़ा देते हैं उससे ज्यादा हम आपको प्यार जुड़ा देंगे, आपको अच्छा से अच्छा वीडियो साफा सुथरा वीडियो, गाली गलौज वाला नहीं, हाँ गाली गलौज थोड़ा बहुत होता है जो मांग है, अभी थोड़ा सा कोई गाली गलौज नहीं दीजिएगा तो वीडियो नहीं घटता है, अभी समय ऐसा है, मैंने समय के अनुसार ही हम लोग को काम करना पड़ता है, नहीं लगता है वीडियो में थोड़ा अश्लील हो जाता है उसका थोड़ा सा काम किया जाए। देखिए भोजपुरी फिल्म में देखे तो कोई अश्लील शब्द रहता है ऐसा बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि मतलब कि हमारा दर्शक पूछ रहा है, देखिए लोग देख रहे हैं पूछ रहे हैं कि कितना दिन विवाद के घेरा में रहेंगे झगड़ू महतो जी? विवाद खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। अच्छा विवाद तुरंत खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक डायलॉग और मारिए थोड़ा अच्छा जोरदार एकदम, फेवरेट अच्छा डायलॉग हम जो बनाए थे हीरो झगड़ू महतो उसमें का एक डायलॉग है, अरे बुढ़ारी में हम कॉल चला के नहाई आ तुम बैठ के है मोबाइल पर नर में टाका करता रे गेम खेलता रे आप न तनि पीठ में साबुन लगा दे, सुन पीठ में साबुन लगा दे आ हे में साबुन के लगा बोलिए बोलिए। तू लड़का रहस तो लड़का में तोरा सब जगह हम साबुन लगैनी तोरा के बने से नहीं होगी है, आ तू ना लगाओ तरी पहले बताओ, हम बुढ़ा जाए बुढ़ा जाए तो तू हम तो नानो से ना पूछ के ठीक है ठीक है ठीक है। तो जाते जाते दर्शकों को जाते जाते दर्शकों यही कहते हैं कि देखिए हम बोलने के लिए ठीक है न्यूज में बोल दिए लेकिन देखिए ये सब शब्द का भाषा का हम प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं अब करेंगे, अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जो भी वीडियो बनाएंगे पूरा साफा सुथरा बनाएंगे। पहले जो वीडियो आता था उसमें थोड़ा बहुत अश्लील हो जाता था लेकिन झगड़ू महतो जी उर्फ मोहम्मद रोजी जी के कहना है कि अब जो वीडियो मेरा आएगा अब अश्लील नहीं आएगा। देखिए अभी चुनाव जो विधायक जो मना विधायक झगड़ू महतो वीडियो आप लोग देखिए, वीडियो बहुत अच्छा बना है, इमोशनल भी है, कॉमेडी भी है और इसमें ज्यादा गाली गलौज नहीं, हाँ गाली गलौज थोड़ा सा है
दो जगह है, ज्यादा नहीं है, उनके वीडियो में आप देखिएगा हर समय पूरा गाली गलौज ही भरा रहता था। तो हम उनके साथ काम करते थे, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जैसे हमको बोलते हैं वैसे हम करते थे। लेकिन यहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से काम करते हैं। हाँ, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनको कहते हैं थोड़ा कम की, कहते हैं ठीक है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर काम करने में, बहुत बहुत पूरा दिल, ऐसा हमारा कॉमेडी का नाम है दिलखुश कॉमेडी, उसी तरह हमारा पूरा दिल खुश, पूरा दिल खुश हो गया है, खुश हो गया है। चैनल का नाम है खबरें देश दुनिया, इनके चैनल को आप लोग, हमारे तरफ से आग्रह है, विनती है कि इनके चैनल को भी आप लोग लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब कीजिए, हमारे तरफ से नम निवेदन है, नम निवेदन। एक डायलॉग मार दीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक, हाँ देखिए एक तो वो जो बनाए थे हीरो झगड़ू महतो, उसमें एक तो डायलॉग है, कहा डायरेक्टर साहब कहा खिसियाल बनी ट्रैफिक जाम रोलक हो तो हम केंगे आई, हमारे गांव में कोनो पंखा लगल बा, हम उड़ के चल आई, काम करो तो कराई, तो हम चल रही यहाँ से। ठीक, चलिए ठीक है।